नाम अमृता पांडे है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं नासिक से आई हूँ। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। जैसे ही मैं रेडियो पे या टेप रिकॉर्डर्स पे गाने सुनती थी तो मैं गाने लगती थी, और चूंकि हम लोग छोटे शहर में रहते थे इसलिए उस समय अभी वहाँ कोई टीचर सिखाने वाला नहीं था। उसके बाद मेरी कम उम्र में शादी हो गई और मैं मना इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पापा ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मेरी एक लड़की और एक लड़का है। शादी, बच्चों और म्यूज़िक को बैलेंस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आधा घंटा एक घंटे का टाइम मैं निकाल करके रियाज कर लेती हूँ। हस्बैंड चूँकि बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कभी मुझे म्यूज़िक अगर मैं करना चाहती हूँ कुछ आगे तो मुझे कभी रोकते नहीं है, जिस तरह से भी मैं करना चाहूँ। अमृता के अंदर भी कुछ टैलेंट है, बस हम इसको दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हाँ, टैलेंट ये नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत लोगों में होता है, टैलेंट किसी में भी हो सकता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता पांडे है। और आपके साथ कोई आए हैं? मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी दीदी आई हैं और मेरे दो बच्चे भी हैं छोटे। अच्छी बात है, अच्छा गाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दो लफ्जों की है जी। जब आप यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि शायद आप बिल्कुल नहीं गा पाएंगे। आपकी आवाज़ इतनी नाजुक सी, जैसे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मुझे भी ऐसे लग रहा था एक्चुअली। पता क्या, जब आपने गाना गाया तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा जी। लेकिन मुझे लगा कि जैसे किसी मशीन की सफाई नहीं हुई होती ना जी। हाँ, तो ये ऐसी मशीन है जिसमें ऑयलिंग बाकी है। सही बात है, ऑयलिंग बाकी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी आपने सरप्राइजिंग चीज़ें करी पर वो एकाध जगह की होप्स में तो पूरा गाना अच्छा नहीं लगता है। एक्स फैक्टर का मंच है, छोटा मोटा मंच है नहीं जी। यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल में आकर गाना पड़ेगा तभी कहीं पहुँच पाएंगे। आपको देख के जो आपका ट्रैक शुरू हुआ वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने। मुझे लगा कुछ अलग किस्म का गाना गाएंगे, पर एक बहुत ही अच्छी बात मुझे जो लगती है आपके, कि जो रेडियो सुन के, टेप रिकॉर्डर सुन के, सालों से घर में अपना काम करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जो जिसने ये गाना आपने जिस लेवल पे गाया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको मांझा जा सकता है, जिसको तैयार किया जा सकता है अगर मौका दिया जाए तो। तो मेरी तरफ से हाँ है। कुछ कुछ जगहों के लिए मुझे लगता है आपको दाद देनी चाहिए, पर तो
अच्छा आप रोएंगी तो फिर शेर हाँ, अब मैं कैसे बोलूँ, अब कुछ बोलने के लिए रहा, आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी का दिन है, आप रो क्यों रही हैं? अच्छा रो क्यों रही हैं आप? I hate tears, Amrita. Come on, cheer her up. Amrita ji, मेरी तरफ से भी ये हाँ है. Thank you. तो आप एक्सपेक्टर में आ रही हैं. बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज अमृता ने एक्स फैक्टर का पहला पड़ाव पार तो किया ही किया, उसके साथ मेरा भी नाम ऊंचा किया है।